नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध फायर आर्म्स की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा का राउंड बरामद किए गए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र की होटल श्याम वीला के पास सरवटे बस स्टैंड पर 4 व्यक्ति फायर आर्म्स सप्लाई करने के लिए घूम रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच टीम ने बताया गया स्थान पर घेराबंदी कर 4 संदिग्धों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम साबिर, नवीन उर्फ तरुण, विकास उर्फ विक्कू और संजीव बताया, जो सभी दिल्ली के सुल्तानपुरी के निवासी हैं। तलाशी लेने पर उनके पास से 5 पिस्टल और 2 जिंदा राउंड मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे खरगोन के सिकलीगढ़ से अवैध पिस्टल लाते थे। आरोपियों ने अब तक 2 दर्जन से अधिक अवैध हथियार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के विभिन्न जिलों में बेचने की बात स्वीकार की है। इंदौर शहर में हाल ही में हुए गोलीकांडों से भी इनका संबंध हो सकता है। छोटी ग्वाल टोली स्थित जो होटल श्याम वीला है, यहाँ पे कुछ संदेही है जो बाहर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह के रहने वाले हैं और यहाँ पे शस्त्रों की खरीदी एवं विक्रय के संबंध में प्रयासरत है। उपरोक्त सूचना पर से हमारी क्राइम ब्रांच द्वारा मुखबिर की सूचना पे तस्दीक हेतु टीम भेजी गई थी और टीम ने वहां पे जाके 4 लोगों को पकड़ा था और उनसे नाम पते पूछे थे, उनकी तलाशी ली थी। तो विधिवत तलाशी में उनके पास से हमें 5 आग्नेय अस्त्र मिले थे और 2 जिंदा राउंड मिले थे। डिटेल हमने उनसे जब पूछताछ की थी तो उनके द्वारा अपने नाम साबिर पिता यासीन, ये निवासी सुल्तानपुरी पुरानी दिल्ली के थे। दूसरा आदमी था इसमें नवीन उर्फ तरुण, ये भी दिल्ली का निवासी था। और तीसरा इसमें सुल्तानपुरी का ही विकास उर्फ विक्की राजेश था। चौथा संजीव कुमार उर्फ सचिन था। और इन चारों के पास से हमें 5 शस्त्र मिले थे। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर ही इनको कार्रवाई की थी, जब्ती की थी और इसमें से एक आरोपी का हमारे द्वारा रिमांड लेके अभी सिकलीगरों के जिनके नाम बताए थे उनके तस्दीक के लिए और शस्त्रों की बरामदगी के लिए भेजा गया है। बाकी 3 मुलजिमों को हमने कोर्ट में पेश करके और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। ये आमतौर पर सिकलीगरों से है, इनका जो अपना जो मालवा का जो निर्माण क्षेत्र है, खरगोन है, बलवानी है, इन्हीं क्षेत्रों से सभी विभिन्न स्थानों से इनके पुराने संबंध है, वहीं से लेके आते हैं और ये आमतौर पर सबको पता ही है और उन्हीं सिकली घरों से ये लेके आए थे और उसी की तस्दीक की जा रही है। ये बात सामने आई कि इसमें हत्या का मुल्जिम भी डकैती का मुल्जिम भी है। हाँ, ये सब वहाँ रिकॉर्डेड है। ये सब दिल्ली में और क्षेत्र के और हरियाणा आसपास के क्षेत्रों में अवैध वसूली और लूट सही के गंभीर अपराधों में लिप्त है। उसके संबंध में संबंधित थानों को हमारे द्वारा यहाँ से खबर भेजी गई है और उनका रिकॉर्ड जब प्राप्त होगा तो हमारे यहाँ जो अपराध दर्ज किया है हमने इसी में विधिवत धाराएं बढ़ा के इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या हैं? बेसिकली पिस्टल है, सब पिस्टल है जो प्रोविडेड बोर की हैं। अब चूंकि इनकी स्टैंडर्ड हम लोग अभी चूंकि आर्मोर से इसकी जांच होगी तभी इनकी स्टैंडर्ड जांच होगी। आमतौर पर 32 बोर चूंकि उसके कारतूस बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और तो आमतौर पर सब 32 कैलिबर की पिस्टल है, उनकी तस्दीक की जा रही है। इसके संबंध में और भी जानकारी होगी आपको, अगर मुलजिम से और भी बार बरामद होगी तो आपको इसके संबंध में भी अलग से बता दिया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।